नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर, मेरे से सभी ने पूछा है कि बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी में क्या अंतर होना चाहिए, क्योंकि जब आप बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी में अंतर ही नहीं कर पाओगे तो आप डायग्नोस ही नहीं कर पाओगे कि आपका पक्षी किसी बीमारी से ग्रसित है। एक बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी में क्या अंतर है, आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सभी सिम्टम्स बताऊं जो हेल्दी बर्ड्स में होते हैं और जो बीमार बर्ड्स में होते हैं, ताकि आप उस बर्ड्स को इजीली डायग्नोस करके अपने स्वस्थ पक्षियों से अलग कर सके और दूसरे पक्षियों की जान बचा सके। सबसे पहले आपने जो पक्षी पाले, आपको बर्ड्स की फिजिकल एक्टिविटीज का, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज का पता चाहिए। आपका बर्ड जो हेल्दी होता है, नॉर्मल कंडीशंस में पूरे केज में घूमता है, बाहर अंदर उसकी एक्टिविटीज होती है, पूरे प्लेफुल मोड में होता है। जबकि जो एक बीमार पक्षी होता है वो एक कोने में दुबक करके बैठ जाएगा, आप फूल करके बैठ जाएगा, और जब आप सुबह के टाइम आप दाना पानी रखेंगे तो जो हेल्दी पक्षी है सबसे पहले उड़ करके वही खाने के लिए आएगा। आपका जो बीमार पक्षी है वो एक कोने में बैठ करके वो खाने में कोई रुचि नहीं दिखाएगा। दूसरा, जब आप अपने केज की ट्रे में देखेंगे या जो उसके नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे, एक हेल्दी पक्षी जो नॉर्मल पीप करता है, जो बीट करता है, वो सेमी सॉलिड होती है। जबकि बीमार पक्षी की जब फीसिस को आप एग्जामिन करेंगे तो उसमें क्या होता है, कई बार ब्लड के ड्रॉपिंग्स होते हैं, एकदम वाटरी डायरिया भी होता है। किस पक्षी ने ये करा है आप उसकी एक्टिविटीज में नोट कीजिए, और जिस पक्षी में आपको लगता है कि ये सिम्टम्स हैं आप उसको अपने पक्षियों से तुरंत अलग कर दीजिए, क्योंकि कई बार ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरे आपके पूरे के पूरे फ्लॉक को इन्फेक्ट कर सकता है। और सही टाइम पे प्रॉपर डायग्नोस करके यदि आप उसको अपने स्वस्थ पक्षियों से अलग कर सकते हैं तो शायद अपने अपने दूसरे पक्षियों की जान भी बचा सकते हैं। जैसे ही आप सुबह पक्षियों का दाना डालते हैं, आपके सारे पक्षी एक एक करके दाना खाना शुरू कर देते हैं और आपका एक पक्षी कोने में बैठा हुआ दाने को अवॉइड करना शुरू कर देता है। आप ये सोचेंगे कि शायद आपका पक्षी बीमार है, लेकिन कई बार हमारी सोच भी गलत हो जाती है। कई बार क्या है, पक्षी की चोंच का आकार बढ़ जाता है और चोंच का आकार बढ़ जाने के कारण पक्षी को दाना उठाने में काफी दिक्कत होती है, उसको काफी पेन होता है, और उसी पेन से वो बचने के लिए दाना नहीं खाता, एक कोने में जाके बैठ जाता है। पक्षी को काफी नजदीकी से देखिए, यदि इस तरह की कोई समस्या है कि पक्षी की चोंच का आकार बढ़ा हुआ है, आप तुरंत उसको अपने डॉक्टर के पास ले जाइए और उसकी जो चोंच को उसको ट्रिमिंग करवाइए ताकि वो एक रेगुलर शेप में आ जाए और पक्षी को आगे से दाना खाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, यदि आपका कोई पक्षी एक कोने में बैठा हुआ है या एक ऊपर पर्चिंग के ऊपर बैठा वहां से हिल डुल नहीं रहा है, हो सकता है वो किसी बैक्टीरियल या वायरल बीमारी से ग्रसित हो, आप ऐसे पक्षी को भी तुरंत से पक्षियों से अलग कर दीजिए और उसे डॉक्टर के पास ले जाइए एग्जामिनेशन के लिए, और डॉक्टर उसी के आधार पर कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, उसी के आधार पर दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और आप अपने पक्षी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि यदि इस तरह के पक्षी को आपने दूसरे पक्षियों से अलग नहीं किया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, पक्षी जो अपनी ड्रॉपिंग्स करता है, बीट वगैरह करता है, वो कई बार दाने पे गिर जाती है और जो स्वस्थ पक्षी होता है उस बीट को खा लेता है, दूसरे पक्षी का भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इससे जैसे ही कोई आप इस तरह का पक्षी देखें, उसके सबसे पहले आप उसको सेपरेट करके दूसरे केज में रख लीजिए। कई बार आप नोटिस करेंगे कि आपका पक्षी लंगड़ा के चल रहा है, हो सकता है पक्षी के पैर में कोई चोट लग गई हो या कोई फ्रैक्चर हो, या कई बार क्या होता है पक्षियों के नाखून बढ़ जाते हैं। यदि इस तरह के भी आपको सिम्टम्स आप अपने बर्ड्स में नोटिस करते हैं, यदि उसके नाखून बढ़े हुए हैं तो बर्ड्स को बाहर निकालिए, उसके नेल्स की ट्रिमिंग करवाइए। इसके अलावा यदि कोई फ्रैक्चर वगैरह है, आपको लगता है कि फ्रैक्चर होने की वजह से आपका बर्ड्स लंगड़ा के चल रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। यदि उसको प्लास्टर की जरूरत है, डॉक्टर प्लास्टर करेगा, या हो सकता है फर्स्ट एड के द्वारा ही आपका पक्षी ठीक हो जाए। दूसरा, सबसे अच्छा होता है कि जब आप पक्षियों को खाना डालते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट अपने पक्षियों के सामने बैठ के जरूर देखना चाहिए। आप जब पक्षी की आंख में देखेंगे, नॉर्मल में जो हेल्दी पक्षी होता है उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, बीमार पक्षी की आंखों में आपको पानी नजर आता हुआ आएगा, हो सकता है बीमारी की वजह से आंखों में गिद्ध आना शुरू हो जाए, यानी व्हाइट व्हाइट उसका डिपोजिट होना शुरू होता है। इस तरह का पक्षी भी आप अपने तुरंत डायग्नोस करके उसको अपने स्वस्थ पक्षियों से अलग कर दीजिए ताकि उसका टाइम पे इलाज किया जा सके। यदि आपका पक्षी कोई हेल्दी है
और उसके बावजूद पूरे दिन में पिंजरे के अंदर रेस्टलेस रहता है। आप सोचेंगे आपका पक्षी तो बिल्कुल फेदर्स दिखने में हेल्दी है, खाना भी प्रॉपर ले रहा है, किसी की तरह एक्टिविटी में फर्क नहीं, लेकिन वो फिर भी रेस्टलेस रहता है। ऐसे पक्षी को आप पिंजरे से बाहर निकालिए और उसको एग्जामिन कीजिए। हो सकता है बर्ड्स के फेदर्स में माइट्स हो, माइट्स या लाइस हो। माइट्स या लाइस के काटने से क्या है, आपका पक्षी काफी दिन बेचैन रहेगा। माइट्स के काटने से कई बार आपका बर्ड्स एनीमिक भी हो सकता है या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी हो सकती है। यदि इस तरह का कोई पक्षी आपको दिखता है तो कोई भी अपना मेडिकेटेड स्प्रे जो कि आपके टिक से लाइस को खत्म कर दे वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार कीजिए और उस बर्ड्स को अपने हेल्दी बर्ड से तुरंत अलग कर दीजिए। मेरा एक सुझाव है, यदि आपका पक्षी जो स्वस्थ है, यदि आप उसको महीने के अंदर एक बार डिवॉर्मिंग जरूर कीजिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग देने से बर्ड्स की जो है पेट की क्लीनिंग रेगुलर होती रहती है। दूसरा, बर्ड्स को कैल्शियम टॉनिक, लीवर टॉनिक ये रेगुलर पानी के अंदर हमेशा देना चाहिए। यदि आपका पक्षी, आपने कबूतर पाला है, कबूतरों के अंदर मोस्टली क्या है, ग्रिट देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पक्षी क्या करते हैं, दाना खाने के बाद कंकड़ या पत्थर चुगते हैं। हो सकता है केजेस में वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तो उनको मार्बल का बारीक ग्रिट जो है अवेलेबल कराना चाहिए ताकि बर्ड्स जो है खाना खाने के बाद उस ग्रिट को खा सके। क्योंकि पिजन्स के केस में क्या होता है, दाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो ग्रिट है वो ग्राइंडिंग का काम करता है। पिजन्स के केस में मार्बल ग्रिट प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि वो उनके खाने के डाइजेशन में काफी हेल्प कर सकता है। दूसरा, बर्ड्स को प्रिवेंटिव मेडिसिन देते रहना चाहिए क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी आप अगर पहले से ही प्रिवेंटिव मेडिसिन को देते रहेंगे, हो सकता है आपका बर्ड्स को भी बीमारी ना पड़े, क्योंकि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव यानी ट्रीटमेंट में काफी फर्क है। प्रिवेंटिव में जो डोज देंगे वो क्यूरेटिव से बिल्कुल हाफ देंगे नॉर्मल पानी के अंदर, उससे आपके बर्ड्स का इम्यूनिटी लेवल कभी कमजोर नहीं होगा और आपका बर्ड हमेशा हेल्दी बना रहेगा। दूसरे, कभी भी यदि आप कोई अपना नया पक्षी अपने केजेस में आप ऐड करते हैं तो उसको पहले हमेशा क्वारंटाइन पीरियड्स में रखिए। अपने बर्ड्स में मिक्स करने से पहले 15 दिन आप उसको दूसरे केज में शिफ्ट कीजिए, वहां पे उसको मेडिसिन का एक प्रॉपर कोर्स कीजिए और उसके बाद देखते हैं कि आपका बर्ड हेल्दी है, उसमें कोई बीमारी का सिम्टम्स नहीं है, तब अपने नए बर्ड्स में ऐड कर सकते हैं। कोई भी पक्षी एकदम से ला के तुरंत अपने नए पक्षी में ऐड ना करे, हो सकता है वो पक्षी पहले से ही बीमार हो और आकर के आपके सभी पक्षियों के बीमार कर दे। यदि आपको पक्षियों से संबंधित कोई और सुझाव चाहिए या आपको किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना है या आपका कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।